हमार वेन स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहा है विराट के बघेले ब्रोटन पूजा के संगे। खबर रीमा से हवे, जहां शिक्षा के अधिकार के कानून में ही जिलन के प्राइवेट स्कूलन में निःशुल्क प्रवेश खातिर 5 जुलाई का लाटरी निकाली जाई, जिने में ही कोरोना के समय में अनाथ भे लड़िकन का प्राथमिकता दी जाई। वहीं ऑनलाइन लाटरी के सूची आरटीआई पोर्टल में घलाई मिली, साथ ही स्कूल के आवंटन के जानकारी बीआरसीसी कार्यालय के सूचना पटल में घलाई देखी जा सकती है। वहीं आवेदक का आवेदन के प्रारूप ले में या फिर जमा करावे में अगर कोनो मेर के दिक्कत होती भाई या फिर उन स्कूलन के जानकारी चाहिए जहां सीट खाली है, तो आरटीई पोर्टल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय और विकास खंड स्रोत केंद्र कार्यालय में ही संपर्क कर सकत हमा। रीमा कलेक्टर और दंडाधिकारी मनोज पुष्प 4 ठ्यादतन अपराधी का ही जिला के सीमा से 1 साल खातिर बहरे जाए के फरमान सुनाई दी नहीं भाई। अपने को बता दें कि मनिगवा के रहने वाले हाफिज मोहम्मद अली रजा, रवि उर्फ राघवेंद्र शहीद उर्फ कमानी का ही 1 साल खातिर जिला बदर कैदीन गहबे। रीवा में ही होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावन के पहल चरण में निर्वाचन के काम में लापरवाही बरते खातिर कर्मचारी का कारण बताओ नोटिस दीन गहबे। अपना को बताई दी कि अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह बताइन के नई गढ़ी जनपद के मतदान केंद्र 110-111 में ही मतगणना में लेट कराए खातिर राजकुमार कोल, केशव प्रसाद त्रिपाठी, रामलखन वर्मा के साथ है। मतदान केंद्र क्रमांक 112 में ही राम सजीवन पटेल का घलाए कारण बताओ नोटिस दीन गहबे। बतावा जाता है कि कर्मचारी के ऊपर लापरवाही के कारण मतगणना के काम में ही लेट हुए के आरोप हवे। यही मेर से हनुमना के जनपद में ही मतदान दल सेक्टर ऑफिसर के रुकई के और बिजली पानी की व्यवस्था न होए के कारण सचिव रामधनी मिश्रा, राम बहादुर पटेल, निर्मल रावत, सचिदानंद शुक्ला, रंगीला कोल का जिम्मेदारी दीन गई रही है जे अपने काम में लापरवाही करें वहीं नहू का घलाए नोटिस दीन गहबे। वह अगर प्रशासन जवाब से संतुष्ट नहीं हो तो निलंबन के गाज घलाए गिर सकत ही। रीवा माही कलेक्टर मनोज पुष्प और उनके संगे पुलिस अधीक्षक गगेव के ग्राम पंचायतिन के घूम घूम के जायजा लिहिन, जहां मतदान माही कोनो मेर के बाधा डाले वाले का जेल भेजे के बात कही नहीं बे। वहां कुछ जने समय सीमा खत्म होए के बाद प्रचार प्रसार करत रहे जिनका कलेक्टर पकड़े नहीं बे। नहीं ये आज नहीं, ये जनरल पहले कभी झगड़े लड़ाई हुए हैं नहीं, अपन ही है नहीं सही होता शांत होता है। तो क्यों जाने का बोला था तुम, हाजिर तक नहीं आ पाए वहाँ पे, कहाँ पर हो? संतों मिनट में लेने आऊँगा आएंगे क्या कर रहे हैं? 12 है साहब मुझे 12 बाप बोले कि मुझे मेहनत करने की फोन करने की अधिकतर सब लोग निकल गया है, घर घूम भी गया ना लीजो करा लो इसके 12 बाप खड़े हो गए लीजो दादा बड़ा संभव वोटर है बताओ साहब बड़ी पंचायत 3288 है और 5 है इसका मतलब कि 5 है 4 ही 5 है तो 5 है बात करे थे मऊगंज के, जहां कुछ कलयुगी लड़का अपने बाप का ही घर से निकाल दिए रहे। वहां बाप पिछले एक हफ्ता से मऊगंज के यात्री प्रतीक्षालय में ही लावारिस पड़ा रहा, जिसके बाद लावारिस परेश सिराज खान के मौत हो गई है। बतावा जाता है कि मृतक हनुमना थाना के लगे के बस्ती के रहने वाले आई, जिनका प्रशासनिक और कानूनी मदद के जरूरत रही, पर कोनो मेर के जिम्मेदार अधिकारी ए मामला में ही कदम नहीं उठाई, जिसके बाद बेसहारा बुजुर्ग अपन दम तोड़ दिए। लगभग 2000 लीटर देसी और अंग्रेजी शराब का नष्ट कीन गहबे। कार्रवाई के समय दीपिका पाव तहसीलदार मऊगंज, लोकेश सिंह ठाकुर सहायक जिला आबकारी अधिकारी, मनोज कुमार बेलवंशी आबकारी वृत्त प्रभारी मऊगंज के साथ है, थाना प्रभारी मऊगंज श्वेता मौर्य घलाए रही हमा। राज्य मंत्री के दर्जा मिला मऊगंज के विधायक के, जिनकर
मतलबी राजनीति और गुंडागर्दी से लगातार भाजपा सरकार दागदार होला ही बे। अपना को बताई दी कि पिछले दो दिन से लगातार भाजपा के पार्षद पद के सलगे प्रत्याशी के संगे पहले पुलिस थाना में धरना दिए रहे, औखे बाद जो उनके चाक मोड़ में शराब दुकान खुलवाई गई है और जबरई बंद करवाए के बाद पूरी के आज बिहन्ने शराब दुकान में धरना दी के दुकान बंद कराए के आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन कर ला हमा। पंचायत आम चुनाव के दूसरे चरण खातिर मतदान दल विकास खंडन से रवाना हुई गई। अपना बता दी कि कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा, उत्कृष्ट विद्यालय रायपुर करचुरियान और उत्कृष्ट विद्यालय गंगेव माही जाय के मतदान के सामग्री के वितरण और मतदान दलन के रवानगी के जायजा लेने। द्वितीय चरण के निर्वाचन हेतु पिछले कई दिनों से लगातार जिला प्रशासन पूरी टीम के रूप में काम कर रहा था और इस क्रम में आज मतदान दल पुलिस फोर्स रवाना हो रही है, परंतु हमने जो सेक्टर पुलिस मोबाइल है उनका मूवमेंट पहले से रखा हुआ था और इस क्रम में 71 वाहन लगातार हमारे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और विभिन्न स्तर पर चेकिंग अभियान भी उनके द्वारा किया जा रहा है। तीनों विकास खंड के लिए सामग्री वितरण का काम पूरा हो गया है और पार्टियां अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रही है। आने वाले एक घंटे के भीतर सभी पार्टियां निकल जाएगी और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 3 बजे के आसपास सभी पार्टियां अपने स्थान पर पहुंच जाएंगी। बारिश के बावजूद भी मतदान दल के लोगों ने और जो चुनाव में लगी हुई टीम है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मतदान दल जो जा रहे हैं वो भी परेशानियाँ अगर कोई आती है बारिश की उसके बावजूद भी बहुत अच्छे से मतदान और मतगणना का काम अच्छे से करके और कल शाम तक देर रात तक वापस आएंगे। रीवा में ही काल रात के होने वाली बारिश चुनाव आयोग के व्यवस्थान के पोल खोल के धाई थी। अपने को बता दी कि गंगेव के नेवरिया मतदान केंद्र 97 सड़कन का समस्या का लेके ग्रामीण पहले मांग करे रहे हम। वहाँ प्रशासन उस समय झूठ निराकरण दे के लीपापोती करे के कोशिश करे रही, पै इंद्र भगवान न्याय करीन और चुनाव आयोग और प्रशासन का आईना दिखाई दही। मैं ग्राम पंचायत सह का निवासी हूँ और एक्चुअली मैं बाहर रहता हूँ, इस समय वोट डालने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। तो यहाँ पे मैंने समस्या देखी कि ग्राम पंचायत नेवरिया के लिए रास्ता नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं कितना पानी भरा हुआ है। तो हमने पहले भी इस मुद्दे पे सरकार को ज्ञापन सौंपा था और बात हमने अपनी बात पहुँचाई थी। मेरा नाम अजय सिंह, सिधा पंचायत का रहने वाला हूँ। यहाँ पे रास्ता इतनी ख़राब है कि भमैलिया पंचायत और नेवरिया जाने वाले के लिए बहुत दिक्कतें हैं, मतदान देने कैसे जा पाएंगे, अगर ऐसे ही रहा मतदान देने बहुत दिक्कत होगी। बात करें थे रीमा के, जहाँ के जल जंगल जमीन के संयोजक शिव सिंह पत्रकारन से चर्चा करी। इस समय वो कहीं के बिना मौसम के मार्च माही वृक्षारोपण करावा गया रहा, जोने के प्रचार प्रसार तो खूब भा, पर कितना पौधा जीवित था कितना मर गए उनका रिकॉर्ड नहीं आए। ये मामला ये है कि ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है और उस योजना के तहत बेमौसम में, जबकि कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई मौसम वैज्ञानिकों का ये मानना नहीं है कि मार्च में कभी पौधे लगाए जाएंगे, 1 मार्च से 5 मार्च के अंदर पौधे लगाने की इन्होंने योजना शुरू किया। उस समय ना तो पानी है, धूप है, वृक्ष तैयार होने का कोई वही मतलब ही नहीं निकलता। उस समय इन्होंने वृक्षारोपण कराया और बड़ा बंदरबाट हुआ। हमने RTI से जानकारी लिया, RTI की जानकारी में ये बताया गया है कि जो खर्चा आया है प्रति वृक्ष, हमने खर्चा मांगा है, परिवरिश की जिम्मेदारी मांगा है, तो परिवरिश की जिम्मेदारी इन्होंने कहा कि जन सहयोग से हुई है और खर्च जो है जीरो आया है। तो इसी तरह हमने रीवा जिले सहित संभाग कर भर का मांगा है। तो इतना बड़ा बंदरबांट भ्रष्टाचार, जहां मध्य प्रदेश के सारे जो नर्सरी हैं वो खाली हो गई हों और इन्हें ये खर्च जीरो बता रहे हैं मंत्री विधायक से लेकर के। रीवा जिले और भोपाल जिले में कितने पेड़ लगाए गए? भोपाल में 42,000 पौधे लगाए गए और रीवा में 23,540 पौधे लगाए गए। जी आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।